चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बिजी शेड्यूल में आप लोग यहाँ आने का कष्ट किया आप लोगों ने। पहले तो सिवान की जनता और समस्त बिहार की जनता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। चुनाव कुछ एक छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पूर्णतः सफल रहा, शांतिपूर्ण हुआ, तो उसके लिए बिहार की जनता धन्यवाद की पात्र है, खासकर सिवान की जनता धन्यवाद के पात्र है। उम्मीदें ये हैं कि चूँकि हम लोगों ने काम किया है, जनता के बीच में गए थे, जनता के बीच में जनता का बहुत स्नेह प्यार हमें प्राप्त हुआ, तो उम्मीदें हैं कि जनता हमारे साथ होगी और निर्णय हमारे पक्ष में होगा। और जहां तक सिवान की जनता से अपील करने की बात है, निर्णय चाहे जो हो, माहौल सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, मत की भिन्नता होनी चाहिए, मन की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। हम लोग सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, और निर्णय चाहे जो हो उसको प्रेमपूर्वक सौहार्दपूर्ण स्वीकार करना चाहिए। एग्जिट पोल में तेजस्वी की सरकार बनती है, क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल जो ट्रेंड रहा है पिछले कई वर्षों से, हम लोगों ने देखा है कि पूर्णतः सही नहीं होता है, क्योंकि उसका सैंपलिंग जो है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है कि कैसा सैंपल लिया गया, कहाँ से लिया गया है, तो उसको कहा नहीं जा सकता है। देखिए, यहाँ दो ही धुरी है, एक बीजेपी मतलब एनडीए और एक यूपीए, सरकार दोनों में से किसी एक ही बननी है। जो इंडिकेशंस आ रहे हैं जो आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार और प्रेस के माध्यम से, वो सही बात है, महागठबंधन की तरफ से आ रहे हैं, मगर चूंकि हम लोग चुनाव में थे और चुनाव में हम लोगों ने देखा, ऐसा कोई इंडिकेशन हमें नहीं लगता है कि महागठबंधन को की तरफ झुकाव है। थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स है, लोगों का मिक्स रिस्पॉन्स है, और परिवर्तन लोग चाहते हैं, मतलब चेंज फॉर द गुड, परिवर्तन अच्छे के लिए लोग चाहते हैं, इसलिए लोग ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेंड लोग है ये मन भावना के हिसाब से जो इंडिकेटर्स आए हैं उसके हिसाब से, एक्चुअल में क्या है बस 10-12 घंटे का इंतज़ार कर लें, आ जाएगा आपके सामने।